हेलो गाइस, राम राम सभी को। भाई साहब, तो अभी बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी चल रही है, बिगेस्ट कंट्रोवर्सी यार, क्योंकि बाबू भैया मुनावर के साथ चल रही है। और अभी देख सकते हो एलविस यादव और मैक्स ट्रेन का बहुत ही ज्यादा खतरनाक चल रहा है भाई। और इसी को देखते हुए यार, मैं सभी को बोलना चाहता हूँ, जो छोटे क्रिएटर देख रहे हैं, क्रिएटर है, हम सोचते हैं बड़े क्रिएटर एलविस यादव हो गया, जो बड़े बड़े यूट्यूबर हो गए वो काफी अच्छे होंगे भाई, ऐसा उनको देख कर हम आगे बढ़ते हैं भाई, और वो ऐसा कर रहे हैं तो हम कहाँ रहेंगे भाई। आप ही बताओ ना, आगे आप क्लिप देखो, इसलिए मैं थोड़ा सा बीच में बता दे रहा हूँ, क्योंकि भाई साहब जान से मारने की धमकी दी गई है। और मैं तो अकेला था, लेकिन एलविस भाई साथ में बहुत सारे बंदे लाए थे, तो इसकी ना मैं फुल वीडियो सुबह डालता हूँ, अच्छे से सब देखना क्या हुआ, हमारे पास भी रिकॉर्डिंग है। राम राम भाई सभी लोगों को। एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, एक नहीं बल्कि कई वीडियोस, और काफी इंटरनेट पे जो माहौल चल रहा है, काफी नेगेटिविटी चल रही है, उसके रिलेटेड ये वीडियो है अपनी। और बहुत सारी चीजें आ रही हैं सामने उठ के। एक वीडियो आपने देखी होगी जिसमें मैं हाथ उठा रहा हूँ मैक्सटन के ऊपर, एक वीडियो आपने देखी होगी मैक्सटन जिसमें बोल रहा है कि एलविस ने तो ये कर दिया मेरे साथ, बदमाश है, गुंडा है, इसके ऊपर ये होना चाहिए, मर्डर केस लगना चाहिए। और उसके बेसिस पे आप सभी लोगों ने मेरे को कल्प्रिट घोषित कर दिया और बदमाश घोषित कर दिया, गुंडा है, ट्रेंड चलवा दिया मेरे नाम के, अरेस्ट एलविस यादव, ये तो ऐसा है वैसा है, पॉलिटिकल इसको सपोर्ट है, सारी चीज़ें ना एक एक करके हम लोग क्लियर करेंगे। और हमारी जो इंडियन ऑडियंस है उनको मैं बोलना चाहूँगा, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो एक साइड की स्टोरी सुन के, बहुत जल्दी आप अपना फैसला सुना देते हो और एक साइड पकड़ लेते हो कि वो एलविस ने तो ये कर दिया, वो मैक्सटन के मार दिया, एलविस तो बदमाश है, गलत आदमी है, उसके हिसाब से आप अपने डिसीजन लेते हो, चाहे अनफॉलो हो गया, चाहे कमेंट हो गया, गाली बकना हो गया, इट्स ओके, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि एक साइड की स्टोरी आप लोगों ने सुनी और दूसरी साइड की स्टोरी भी जानने का हक है और मुझे सुनाने का भी हक है। तो जितने भी भाई मेरे देख रहे हैं इस वाली वीडियो को, प्लीज़ एंड तक देखना, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि मैं अपना पक्ष रखूँ और मेरी भी सुनी जाए। जो लोग विक्टिम कार्ड खेल के अपने आप को विक्टिमाइज करके एक साइड की स्टोरी सुना के दूसरी साइड जो वे कर रहे हैं ना, और जितने भी लोग इकट्ठे हो रहे हैं, लेफ्ट लॉबी पूरी इकट्ठी हो रही है, एंटी हिंदू लॉबी, जो पुराने हिंदू सपोर्टर थे, जो एंटी थे मेरे, सारे एक जने गुट बना के सारे मेरे पीछे पड़ गए। चलो कोई बात नहीं, ये पुराना काम है, 2020 से झेल रहा हूँ मैं, जब हम हिंदुओं के लिए आवाज़ उठाते थे तब से झेल रहा हूँ मैं, मेरे को आदत है इन चीज़ों की, लेफ्ट लॉबी इकट्ठी हो जाती है, इट्स ओके। तो मेरे साइड की भी स्टोरी सुन लो भाई। तो मैं इसमें कुछ बोलना नहीं चाहूँगा, आप एक काम करना, आप उसका ट्विटर हैंडल खोलना, या फिर आप यूट्यूब पे या फिर गूगल पे सर्च करके देखना। जब मैं बिग बॉस में गया था, कब, अगस्त में निकला था मैं, जुलाई में गया था मैं, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये हो गया अपने 8 महीने, बहुत होते हैं 8 महीने। 8 महीने से लगातार आप देखना कि मैं क्या कर रहा हूँ मैक्सटन के साथ और मैक्सटन मेरे साथ क्या कर रहा है, उसके हर ट्वीट मेरे अगेंस्ट मिल जाएगा, मुझे पोक करते हुए मिल जाएगा, सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अभी ना पूरी एंड तक सुनना, आपको जो मेन चीज़ निकल के आएगी ना, आप भी कहोगे कि पूरी स्टोरी ऐसी होती है जो आपको नहीं सुनाई गई, हम सुनाएंगे आपको पूरी स्टोरी, हमारा पार्ट भी सुनना। पूरे 8 महीने से लगातार पोकिंग, जो भी मैं चीज़ करूँ उसमें एलविस ने ये करा, एलविस ऐसा, एलविस के लोग गवार आर्मी, एलविस आर्मी गवार आर्मी, और भी बहुत सारी चीज़ें बोली गई, दोगला एलविस, कई चीज़ें। बीच बीच में पहले हम लोग मिले भी थे, एक शूट पे मिले थे हम लोग साथ में, हम लोगों ने काम भी करा था, बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी, कोई दिक्कत नहीं थी। फिर मैंने देखा कि भाई इसको क्या हो गया, हम एक बार